इनका मकसद ही है कि दंगा फैलाना, और ये सारा काम विपक्ष वाले करा रहे हैं। 14-15 साल के लड़के क्या पत्थर चलाएंगे? आप बताइए, उनके हाथ में पत्थर पकड़ा दोगे कि जाओ साले मारो, जाके तो मारेंगे, तो उनको स्वयं दंगा के उसमें झोंका जा रहा है। ये सारे विपक्ष वालों का काम है, गलत काम करेंगे और गलत काम वालों के जब बुलडोजर चलेगा उनके तो खुजली मचेगी। चोर कहाँ से घर से पैदा, यहाँ तुम्हारा पेन चुरा लेगा, घर से ही सीखता है। अगर चोर बदमाश लुच्चा लफंगा साला होता है ना, वो घर से ही होता है। ये कमी माँ बाप की होती है कि घर से आप जो है उसको सब बना रहे हो, जाके ईंट पत्थर चला रहा है, तो क्या माँ बाप का धर्म नहीं उसको रोकना? अरे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने अपने मोहम्मद साहब पर टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर हमने कहा ना, अगर उन्होंने गलत, नूपुर शर्मा ने गलत बयान दिया, उसको पार्टी बाहर कर दिया ना, फिर अब क्या उसको फांसी चलवा दोगे आप बताओ? हो जाएगा। हम मंदिर में जाते रहे भाई, कभी हमने अंदर सीखते हैं कि पत्थर मारो किसी पे? कभी नहीं सीखेंगे हम। पार्टी नहीं बताते हमें, दया भावना से रहते हैं हम यहाँ पे लोग। वो उनको क्या सिखाया जाता है कि जैसे ही नमाज, वो उनको यही सिखाया जाता है, वहाँ नमाज अदा करो, यहाँ पत्थर फेंको, बस यही सिखाया जाता है। यही है क्या भाई साहब? अभी देखा होगा कोई हिंदू मंदिर या मंदिर से गुरुद्वारे से कहीं से होकर के धर्म स्थल से निकल करके कभी किसी से झगड़ा करते हुए आपने देखा हिंदुओं में? नहीं। इनमें क्यों? इनमें इसलिए कि इनको पैदा होते यही सब सिखाया जाता है, यही सब सिखाया जाता है। तकलीफ उनको यही है कि वो चाहते ही नहीं हिंदू राष्ट्र बने या हिंदू यहाँ पे रहें। उनको यही मतलब है कि इनको किसी तरीके किसी षड्यंत्र के चक्कर में फंसा करके उलझा करके और देश को बर्बाद करो, आगे ना बढ़ें। जब ये कमजोर हो जाएंगे तो अपने आप कब्जा कर लेंगे। विरोध कौन करते हैं? विरोध तो वही लोग करते हैं ना जो जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, बाद में पत्थरबाजी करते हैं। विरोध तो कौन करता है? हम थोड़ी ना विरोध करते हैं। बाद अंदर क्या बताया जाता है कि आप अंदर नमाज पढ़िए, इसके बाद में बाहर चलो पत्थर फेंकते हैं। किस लिए? क्यों? क्योंकि एक हाथ में कुरान लिए हैं, एक हाथ में संविधान। जब अपने पर आए तो संविधान, हिंदुओं की बात आए तो कुरान। हमारा सरिया, हमारा कुरान है, ये क्या है? ये हिंदुओं के लिए ये क्या है? हैं? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में क्या हुआ? यही तो हुआ। अगर वहाँ पर माइनॉरिटी को देखो तो खत्म किया जा रहा है, बिल्कुल माइनॉरिटी बिल्कुल खत्म हो रही है। 20% पाकिस्तान में थी, आज 6% है। और अपने यहाँ 6% थी, यहाँ पर 20% हो चुकी है। ये क्या हिंदुओं के बीच में रही कि भाईचारा, हिंदू भाईचारा दिखाता है लेकिन मुसलमान भाईचारा नहीं दिखाता है। इलाज क्या है ऐसे लोगों का? ऐसे लोगों का इलाज योगी है, बिल्कुल। अरे जो अरे अपना ले आएंगे संग, तो कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। अपन साथ ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ढाल के माल फूंक दिए जाएंगे। नाम है क्या है? पैसे खर्च नहीं होंगे सरकार के, ये इलाज है। और क्या, बाबा जी आएंगे तो बुलडोजर चलाएंगे और कहानी खत्म।